brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत रूस की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में है। कभी भारत तेल का खेल कर रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाता है और उसे मालामाल कर देता है, तो दूसरी तरफ रूस भारत को हथियारों के जरिए बड़ी मदद करता है। अब इसी कड़ी में रूस ने भारत को सुखोई 35 लड़ाकू विमान ऑफर कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया भारत रूस की दोस्ती से दंग रह गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका को लगा, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा भारत रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान ले। दरअसल इस वक्त दुनिया में समीकरण काफी बदल चुके हैं, लेकिन भारत रूस का समीकरण नहीं बदला। बात अमेरिका भारत के साथ की करें तो अमेरिका ने भारत के तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन को देने में लेट लतीफी कर दी है और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं। और इसी को देखते हुए रूस ने दांव खेला और भारत को सुखोई 35 का ऑफर देकर अमेरिका को हिला डाला। चलिए अब जानते हैं क्यों हो रही अमेरिका की ओर से लेट लतीफी और क्या रूस ने सुखोई 35 ऑफर करके अमेरिका के माथे पर छुड़ा दिए हैं पसीने। दरअसल पिछले साल मोदी सरकार ने कहा था कि सेनाओं के लिए करीब 114 लड़ाकू विमानों की जरूरत है, ताकि भारतीय सेना को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। अब भारत को लड़ाकू विमान देने के लिए दुनिया के तमाम देशों में होड़ मच गई। सभी ने भारत को एक से बढ़कर एक ऑफर दिए, लेकिन अभी तक ये डील फाइनल नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ भारत के लड़ाकू विमान तेजस में लगने वाले इंजन को देने में अमेरिका ने लेट लतीफी कर दी, क्योंकि अमेरिका का जीई इंजन भारत के तेजस फाइटर जेट में लगता है। और इसी को देख रूस ने तुरंत दांव खेला और भारत को SU-35 लड़ाकू विमान का ऑफर दे दिया, वो भी डिस्काउंट के साथ। हालांकि कितने रुपए या कितने डॉलर का ऑफर रूस ने भारत को दिया ये तय नहीं है। अब क्या है इसकी खासियत ये भी जानना जरूरी है। दरअसल रूस में बनी SU-35 SU-27 के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, इसे एक पायलट उड़ाता है। इसकी लंबाई 71.10 फीट, विंग स्पेन 50.2 फीट और ऊंचाई 19.4 फीट है। इसकी गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3600 किलोमीटर है, जबकि कॉम्बैक्ट रेंज 1600 किलोमीटर है। ये अधिकतम 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 30 मिमी की ऑटो कैनन लगी है, जो 150 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा 6 तरीके के गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं, यानी कि दुश्मन की मौत पक्की है। खैर, जिस तरह से अमेरिका खालिस्तान और तमाम मुद्दों पर भारत को घेर रहा और जिस तरह से वो अब इंजन देने में लेट लतीफी कर रहा, उसके बाद क्या भारत को अमेरिका को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए और रूस का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।